दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पानी को लेकर याचिका डाली थी, क्योंकि दिल्ली में बीते कई दिनों से लोग पानी के लिए तरस रहे थे। घर में लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं था। इस वक्त मैं करोल बाग के बापा नगर इलाके में हूँ, यहाँ पर भी पानी का बहुत क्राइसिस था। अब हिमाचल सरकार दिल्ली को 137 क्वेस पानी छोड़ेगी और ये शुक्रवार से ही शुरू हो जाएगा, यानी दिल्ली वालों को जो पानी की तकलीफ थी उस पर अंकुश लगेगा। मैं सबसे पहले पापा नगर ही आ गई हूँ, तो यहाँ लोगों से, स्थानीय लोगों से मैं बात करती हूँ, पानी की कितनी किल्लत हो रही है? बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, बहुत ज्यादा। 2-3 महीने हो गए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बताओ, पानी आता जो इतना गंदा पानी आता है जैसे टॉयलेट होगा वैसे। और आप मेरे घर में जाके पानी देख सकते हैं, मैंने पोछे के लिए वो पानी रख रखा गंदा पानी। आप जितना राहत करोगे इतनी सुविधा अच्छी होगी, नहीं तो फिर हम क्या करें। अच्छा, अभी अभी कितनी देर पानी आ रहा था? दिन में कहाँ से पानी लाते थे? दिन में हम बाहर से लाते थे, शौचालय में से। पहले बोस्टर का पानी आता था, वो भी 10 साल हो गया बंद हुआ। कारपोरेशन का पानी आता है तो जिसमें 1 घंटे पानी आता है, 5 बजे से लेके और 7 बजे तक। किसी के घर पे 7:30 बजे तक आता है, किसी के घर पे 1.5 घंटा आता है, किसी के घर 1 घंटा आता है। तो भाई मेरे घर तो आधा घंटा आता है। अभी हिमाचल सरकार पानी छोड़ने जा रही है, कल से ही ये शुरू हो जाएगा। हथनी कुंज बैराज में पानी छोड़ा जाएगा जिससे दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचे। कितनी राहत मिलेगी इसके बाद? देखो, जब मिलेगा पानी जिसके बाद ही इसका समस्या हल होगा, कितनी राहत मिलेगी हमारे को, जिसके बाद में हम बता सकते हैं बाद में। अच्छा, एक सवाल और लूंगी आपसे कि ये पानी की समस्या हाल फिलहाल हुई है गर्मियों के बढ़ने के बाद या हमेशा से? नहीं नहीं, गर्मी गर्मी, सर्दी में इतना आता पानी जितना हम एक दिन छोड़ के एक दिन चलाते मोटर, और अब रोज 2 बारी चलाते हैं तब भी पानी नहीं मिलता। देखो, यानी ये परेशानी हर बार गर्मी की, हर बारी गर्मी की है। आप देख सकते हो पानी मेरे घर में रखा बाल्टी में, गंदा पानी है, देखो। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ अब पानी जरूर लेके आएगा, लेकिन इस बीच और भी लोगों से बात करना जरूरी है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अब देखिए जरा, और भी यहाँ पर दुकानें हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आगे आइए, वहाँ एक और माता जी बैठी हुई हैं। ये बताइए, पानी आ रहा है घर पे या पानी की समस्या है? पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीला पानी आता, आधे 1 घंटा आता, पानी सही नहीं आता, बिल्कुल बहुत बेकार पानी आ रहा। अच्छा, अब हिमाचल सरकार पानी छोड़ने जा रही है, दिल्ली वालों को हिमाचल का पानी मिलेगा, कल से ही सरकार आप लोगों तक पानी पहुंचाएगी, राहत मिलेगी इसके बाद? हाँ, उसके बाद राहत तो मिलेगी अगर पानी आ जाएगा तो। अच्छा, ये पानी की समस्या कब होती है, गर्मियों में या हमेशा रहती है? गर्मी में भी होती है, सर्दियों में भी होती है, गंदा पानी आता, पानी कम आता है वैसे। पानी कम आता है, वहाँ लोग कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ जरा इधर आइए, बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पानी भी है। पानी तो बहुत जरूरी है, तो आज आया नहीं है, नहीं है पानी, नहीं तो मैं साबित भी कर देता, पानी दिखा दे कितना गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, हिमाचल सरकार पानी छोड़ने जा रही है दिल्ली वालों के लिए, हथनी कुंज बैराज में ये पानी स्टोर होगा और घर घर तक पहुंचाया जाएगा, क्या राहत मिलेगी इसके बाद? बिल्कुल मिलेगी, अब आएगा तो, जब पानी हमें मिल जाएगा तो राहत अपने आप ही मिल जाएगी हमारे को। अभी मैं आज पानी बिल्कुल नहीं आया, नहीं तो मैं तो साबित कर देता कि पानी कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। आज कैसा पानी आ रहा है? पीला और गंदा, सीवर का पानी आता टोटल। ये समस्या कब ज्यादा हो जाती है, क्या गर्मियों के दिन के शुरुआत से ही समस्या होती है? अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, लगातार सरकारें भी एक दूसरे पर दोषारोपण करती है कि पानी इनकी वजह से नहीं उनकी वजह से नहीं, कितने सालों की समस्या है ये? काफी सालों की समस्या है। देखिए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानते समझते हैं कि आखिर पानी की समस्या कितने सालों से है, और अब जब हिमाचल से पानी दिल्ली आएगा तो लोगों को कितनी राहत मिलेगी। हिमाचल से पानी अब दिल्ली आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की और कहा, क्योंकि यहाँ आम जन जो है उन्हें पानी को लेकर तकलीफ हो रही है, तो 137 क्वेस पानी छोड़ा जाएगा, तो कितनी राहत होगी इसके बाद जब कल से पानी आएगा? दिल्ली के अंदर में तो बहुत राहत होगा, पानी का ही मेन समस्या है दिल्ली के अंदर में, और किसी चीज का ना, मेन है पानी, पानी का ही समस्या है। हर जगह देखिएगा तो पानी पानी पानी, क्योंकि इतना गर्मी है दिल्ली के अंदर में, और दूसरा नंबर पानी का बहुत समस्या है। 1 घंटा आधा घंटा के बाद पानी चला जाता है, आधा बाल्टी भरा आधा ऐसे ही है, हर जगह तो यही बात है। हिमाचल से पानी मिलेगा तो राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा, मेरा ही नहीं पूरा दिल्ली का ही राहत मिलेगा। हाँ,
अच्छा, क्या ये समस्या हमेशा होती है या कुछ महीनों में ज्यादा हो जाती है? ये तो हमेशा ही होता है पानी का समस्या, सालों भर का यही रोना है, पानी पानी पानी। देखिए माता जी, ये बताइए, साल होती है गर्मियों में ज्यादा, इस टाइम पे ज्यादा होती है इस महीने में, वरना थोड़ा बहुत मिलता है बस गुजारा लायक, पानी के लिए परेशान तो है ही, कभी कहाँ भागते हैं कभी कहाँ भागते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके परेशान रहते हैं। अब पानी भरने जाएंगे, घर का काम करेंगे, आधा दिन तो पानी में ही भरने में नहीं बीत जाता है। हिमाचल से पानी मिलने लगेगा तो राहत होगी? क्यों नहीं होगी राहत, राहत होगी, जब हिमाचल से पानी मिलेगा तो राहत क्यों नहीं होगी। जरा इधर आइए और बताइए हमें, यहाँ सुन रही थी बता रही थी, पानी की तकलीफ होती है? पानी पहले आता गंदा सबसे, जैसे समझ लो सीवर जैसा, अब उस पानी का करेगा क्या बंदा, आप बताओ पिएगा या नहाएगा उससे, क्या कर सकता, टॉयलेट भी नहीं जा सकता, तो वैसा ही पानी आता है। अब अभी हिमाचल से पानी आने वाला है, कल से ही आना शुरू हो जाएगा, यानी अच्छी बात है, बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल से पहाड़ों से पानी आएगा तो जड़ी बूटियों से टकरा के ही आएगा वो पानी, तो अच्छी बात है, बीमारियों से बचेंगे लोग, बात यानी साफ पानी आएगा और सबसे बड़ी बात पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा पीने की सबसे ज्यादा, जगह जगह देखो यहाँ पर बूस्टर भी खुदे हुए हैं, बूस्टर का भी ऐसा है, आज बूस्टर खराब है तो दो दिन तक समझ लो पानी नहीं है, उसकी भी पहले कंप्लेंट देंगे, तब वो ठीक होगा तब पानी जाएगा। ये समस्या क्या हमेशा से, कितने सालों से यहाँ पे तो रहती है, बापा नगर में तो रहती है, यहाँ पे कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, ऐसी बात नहीं है कि भाई काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन वही है कि जब ऐसे दिन आते हैं ना तो इन दिनों में जरूरी परेशानी होती है, जरूरी होती है ऐसे। बिल्कुल, देखिए तो पानी आ जाएगा, सबसे बड़ी राहत इस चीज़ की है कि कम से कम पानी आएगा तो सही। हिमाचल से पानी दिल्ली छोड़ा जाएगा, हथनी कुंज बैराज में से स्टोर किया जाएगा, सबसे बड़ी बात कि हरियाणा इस पानी को रोकेगी नहीं, क्योंकि बीते कई महीनों से जैसे ही दिल्ली में वाटर क्राइसिस की बात शुरू हो गई थी और अब गर्मी बढ़ते ही वाटर क्राइसिस एक्चुअली में हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो आरोप लगते हैं वो हरियाणा पे लगते हैं कि हरियाणा दिल्ली का पानी रोकती है, लेकिन अब हरियाणा को भी साफ कहा गया है कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं रोकेगी, यानी हिमाचल से जितना भी पानी आएगा दिल्ली के हक का वो सीधा दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा।